हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले पॉलीप्लेक्स कंपनी की। यहाँ पर जो है मार्केट में क्वार्टरली 2 रिजल्ट आ चुके हैं। सो इस रिजल्ट्स के आने के बाद आपको इस शेयर के अंदर क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है और शॉर्ट टर्म विजिबिलिटी। यहाँ पर हमें शेयर के प्राइस के अंदर इतना खासा अच्छा खासा अप्रिसिएशन यहाँ पर हमें शेयर के प्राइस के अंदर जरूर देखने को मिला है। तो उसके बाद अभी अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट यहाँ पर हमें क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी के जिस तरह से नतीजे यहाँ पर हमें देखने को मिले, तो कंपनी की यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर जो है 7% बढ़कर हो चुके हैं 1,554 करोड़ रुपीज़। एज वेल एज अगर हम यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिटेबल स्टेज की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स है वो क्वार्टरली बेसिस पर 8% गिरकर हो चुके 169 करोड़ रुपीज़। सो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत डाउनफॉल जरूर देखने को मिला। ऑन द अदर साइड यहाँ पर जो कंपनी का बिजनेस है क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेरे आपसे मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जिस तरह से रिएक्शन देखने को मिल सकता है वो मेरे आपसे ज्यादा बहुत पैनिक देखने को नहीं मिलेगा। ऑल दो इतना खासा अच्छा सा शेयर के अंदर रैली भी देखने को मिली है और थोड़ा बहुत करेक्शन भी यहाँ पर हमें देखने को मिला है। मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह के जो रिजल्ट है यहाँ पर हमें देखने को ज्यादा फोकस किस तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। जस्ट एज ऑफ द फैक्ट यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है दैट इज ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से जो है यहाँ पर 26% बढ़कर हो चुकी है 1,547 करोड़ रुपीज। और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स है वो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के डेटा के 65% यहां पर बढ़कर हो चुके 169 करोड़ रुपीस। सो YOY बेसिस पर रिजल्ट्स जो है कंपनी यहां पर काफी तगड़े देखने को मिल रहे हैं। सो यहां पर मार्केट के अंदर काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट के हिसाब से शेयर के अंदर रैली जरूर देखने को मिल चुकी है, बट यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह का प्राइस मोमेंटम जो है यहाँ पर हमें जो है शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर इस 5 ईयर हाई प्राइस की बात करें जिस तरह से मैंने आपको बोला कि एक अच्छा सा अपवर्ड रैली यहाँ पर हमें शेयर के अंदर जरूर देखने को मिली और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म के अंदर करेक्शन भी देखने को मिल चुका है ऑल टाइम हाई प्राइस के नियर बाय से। सो हम यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी जिस तरह से यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट गिरे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन दैट इज 1 या 2, 3, 4% जो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। Although लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम यहाँ पर अब जो है हमें पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि पॉलीप्लेक्स कंपनी के यहाँ पर जो मार्केट में क्वार्टरली 2 रिजल्ट आए हैं वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गए होंगे और उसके ऊपर आपको अपना क्या डिसीजन बनाना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।